Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर. तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इस गेम में मैं अपने कार शोरूम टेक्नो मोटर्स को फुली अपग्रेड करके बहुत बड़ा बना चुका हूँ. मैं इस गेम में अपने शोरूम से ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां खरीद के बेच चुका हूँ. बट कुछ ऐसी तगड़ी तगड़ी रेयर कार्स हैं जो कि अभी तक मुझे नहीं मिली है. मतलब यार, मैंने इस गेम में फरारी ले ली, लैम्बोर्गिनी ले ली, पोर्शे ले ली, मस्टैंग, सुपरा, सारी गाड़ियां खरीद के बेच चुके हैं. लेकिन जो निसान GTR, डोज वाइपर, पगानी और भी ऐसे काफी सारी रेयर कार्स है जो कि इस गेम में आ चुकी है और वो मुझे अभी तक मिली ही नहीं. हाँ, लास्ट एपिसोड में मुझे निसान GTR मिली थी पर अपनी जेब में पैसा नहीं था तो मैं नहीं ले पाया. बट आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जाएंगे कोई रेयर कार खरीदने के लिए, मतलब कोई ऐसी सुपर कार जो की अभी तक मैंने इस गेम में नहीं खरीदी. तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते गेम में, आ जाओ. बट हाँ यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम लोग ना 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है. तो नीचे एक प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे जल्दी से जाके दबा दो. लेट्स गो. अब आ जाओ भाई, अब बिजनेस चालू करते हैं भाई. ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटर्स. भाई क्या ही प्यारा लगता है यार अपना शोरूम देखने में, फुल लग्जरी. मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है लैम्बोर्गिनी वालों का ऑफिशियल शोरूम यही है. हाँ, वो बात अलग है कि अपना गरीबी में बहुत आटा गीला, इतना बड़ा शोरूम बना दिया पर गाड़ी एक भी नहीं खड़ी है. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपने पास पैसा नहीं है. अपने पास इस टाइम 5,30,000 डॉलर्स है और ये सब पैसे मैंने इसलिए इकट्ठे कर रखे हैं क्योंकि मुझे कोई तगड़ी गाड़ी खरीदनी है सीधा अभी. वैसे मेरे पास अभी एक मस्टैंग भी है, वहाँ पे एक सामने कोई सस्ती होंडा की भी गाड़ी खड़ी है. हाँ, वो गाड़ी थोड़ी सस्ती है इसलिए मैंने अपने शोरूम से दूर नहीं खड़ी करी, मैं लेकर आ जाऊंगा बाद में. फिलहाल जो सबसे तगड़ी कार मेरे पास है वो रिपेयर होने के लिए गई हुई है. ये देखो, काफी गंदी भी हो चुकी है भाई. ये ब्लैक कलर की कार है और इतनी मिट्टी लग गई है, ऐसा लग रहा है कि ब्राउन कलर है इसका. भाई सब रिपेयर कर दिए ना? यस. तो चलो भाई, ज्यादा देरी नहीं, फटाफट से गाड़ी को हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं और लेकर चलते हैं कार मार्केट प्लेस. देखो आज सीन क्या है ना, मार्केट प्लेस ओपन है, वहाँ पर तगड़ी तगड़ी कार्स आती है, कभी कभी लैम्बोर्गिनी, फरारी, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे निसान GTR, डॉज वाइपर ऐसी रेयर कार आने वाली है. तो एक बारी चक्कर काट के आते हैं क्योंकि बिजनेस तो करना ही है, पैसा कमाना ही है, कोई ना कोई गाड़ी तो लेकर आऊंगा ना. बाकी ये अपनी ब्लैक माफिया कार जो कि बहुत ज्यादा फास्ट भी है इसलिए मैंने इसे अपनी पर्सनल कार बना रखा है. तो फटाफट से मैं ना गाड़ी को धो के साफ कर देता हूँ. एक सेकंड यार, हाँ ये अपना एम्प्लॉय है, मुझे समझ नहीं आ रहा है करता क्या है. जो गाड़ी अंदर रिपेयर होने आती है उसको तो वॉश कर देता है पर मेरी पर्सनल कार ये बंदा हाथ तक नहीं लगाता, मुंह पे पानी डाल दूंगा ना क्या कर. वैसे यार नहा के तो आता है, कहां इस बेचारे को हमने लिया था, चप्पल उप्पल में आया था, ये यहाँ पे बैठा हुआ था भीख मांग रहा था. आज देखो भाई कितना बड़ा बिजनेसमैन लग रहा है, हमसे ज्यादा अमीर तो ये लग रहा है. गाड़ी हम दो रहे, खड़े होके वो देख रहा है. चलो खैर ठीक है, चार पैसा जिम में आया तो ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, काम पे फोकस करते हैं. गाड़ी का इंजन स्टार्ट, लेट्स गो. फटाफट से हम लोग चलते हैं कार मार्केट प्लेस. ड्रिफ्ट मारते भाई, क्या बची है अभी, सीधा एक नहीं दो गाड़ी का नुकसान होता मेरी और इस गाड़ी को तो मैं अभी रिपेयर करा के लाया हूं. चलो भाई बूस्टर मारते हैं, फटाफट से लेकर चलते हैं कार मार्केट प्लेस. भाई गाड़ी ना ड्रिफ्ट भी बहुत से, नहीं अचानक से दिखा मुझे ट्रैफिक. हां यार बहुत बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर ठीक है. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कार मार्केट प्लेस. ओ भाई Wait, let's go. एक गाड़ी मुझे दिख गई है भाई, मेरा दिल खुश हो गया आज सच्ची में, ऐसे मजा आ गया भाई, मजा आ गया. ये देखो फर्स्ट गाड़ी है मस्टैंग, कोई बात नहीं, सस्ती गाड़ी अपने पास खड़ी हुई है, फिर भी रेट पता कर लेते हैं. मस्टैंग ये दे रहा है 36% डैमेज्ड कार है पहली बात तो, और ये बेच रहा है 48,000, इजीली खरीद लूंगा. तो चलो एक गाड़ी ये हो गई, ये स्कोडा तो छोड़ दो भाई. पीछे देखो भाई, ऑडी R8 कितने की मैम, 4 लाख से कम की तो नहीं होगी. भाई ये देखो 4,60,000, एक रेयर कार हमें मिल चुकी है जो कि मैंने आज तक नहीं खरीदी थी. तो आज हम लोग एक ऑडी R8 खरीदने वाले हैं. वैसे हाँ, मेरा टारगेट अभी भी निसान GTR, डॉज वाइपर इन सब का है. बाकी पीछे एक फरारी है, फरारी कितने की है भाई, 2,20,000. भाई क्यों ना मैं ऑडी R8 खरीदूं और उसके बाद एक फरारी भी खरीद लूं. एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी गाड़ियां खरीदते हैं और इन्हें मैं बेच दूंगा, उसके बाद सब गाड़ी ले रहा हूं. टाइम वेस्ट नहीं, आज मुझे ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां लेनी है. बट यार ये गाड़ी 50% डैमेज है, तब भी 4.5 लाख डॉलर की. मैम आप एक काम करो, ज्यादा दिमाग की धैर्य, 4,60,000 डॉलर में आप एक गाड़ी देना पसंद करोगी प्लीज? 1 लाख डॉलर गिरा दिए मैंने सीधा. ओके नहीं बेच रही है, ज्यादा ही कम हो गया. 3,90,000 पे आता हूँ मैं, शायद अब दे देगी, ये दे देगी. मिल गई भाई गाड़ी, समझ लो लेट्स गो. गाड़ी हमें मिल चुकी है ऑडी R8, इसका 0 to 100 स्पीड टेस्ट करना है. उससे पहले गाड़ी के अंदर चल के, अंदर तो खैर जो 2 सीटर कार है ऐसा कुछ खास देखने वाला नहीं है, बट V10 इंजन है भाई. ज्यादा टाइम पास नहीं, गाड़ी को मैं फटाफट से ना रिपेयर होने के लिए भेज देता हूँ. मैं चला के नहीं जाने वाला भाई, मुझे रिस्क नहीं लेना. तो ऑडी R8 मैंने ले लिया, यहाँ पे एक फरारी खड़ी है. फरारी मुझे तो नहीं लगता ये भाई साहब जी बेचने वाले हैं, 2,26,000 की ये बोल रहा है और मेरे पास 1,40,000 में देगा भाई? वैसे तो नहीं बेचेगा बट फिर भी ऑफर कर देते हैं, क्या पता देते. ओके नहीं दे रहा, ठीक है. तो मुझे थोड़ा सा और पैसा कमा कर आना चाहिए, उसके बाद मैं गाड़ी अफोर्ड कर पाऊंगा. फिलहाल के लिए मस्टैंग ले लेता हूँ यहाँ से. 36% डैमेज है ना, टाइम पास नहीं भाई, जल्दी बेच. तू मुझे दे दे 34,000 की प्लीज,
नहीं इतनी सस्ती नहीं करेगा भाई, 38,000 की दे दे यार। देख $10,000 तो कम होने चाहिए ना कभी कभी, प्लीज। ओके नहीं कर रहा यार, बदतमीज है। 42 की दे दे यार, $6,000 कम नहीं करे ना भाई, गाड़ी चढ़ा दूंगा लाके अभी तेरे ऊपर। यस मिल गई भाई मस्टैंग, ये भी रिपेयर होने के लिए भेज देते हैं। लेट्स गो, दो गाड़ियां मैंने खरीद लिया, दोनों रिपेयर होने चली गई है। अब कोई ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जो एकदम परफेक्ट कंडीशन में हो। ये कौन सी कार है भाई, 1% डैमेज है? ना ना ना, 1% डैमेज नहीं। हाँ जी सर आप बताओ, 5% डैमेज? आप बताओ मैम, 3% डैमेज? यार अभी तो कोई भी अच्छी गाड़ी मुझे नहीं दिख रही, दो BMW खड़ी है। ये 0% डैमेज है, बट ये गाड़ी कुछ खास ऐसे बिकने नहीं वाली। छोड़ो यार पैसा क्यों खराब करूं, फटाफट से अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं बाकी गाड़ियां रिपेयर कराने। सीन क्या है ना, आज ही मुझे लगे फरारी भी खरीदनी है, बट आई थिंक टाइम नहीं बचेगा। टाइम बचेगा ही नहीं, 4:30 बज चुके हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग और गाड़ियां खरीद पाएंगे, फिलहाल जो गाड़ियां लेकर आए हैं इन्हीं पे काम करवाते हैं। तो अपने पास हमने एक मस्टैंग खरीदी थी, ये रिपेयर पे लगवा देता हूं मैं फटाफट से। सेकंड कार मैंने खरीदी थी ऑडी R8, इसको भी रिपेयर पे लगवा देते भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा डैमेज है, बहुत ज्यादा। वैसे एक सेकंड, मेरे पास एक मस्त आइडिया है कि हम लोग बैंक से लोन ले सकते हैं, फिर मैं जाके वो फरारी भी ले लूंगा। बट यार बैंक ना मुझे लोन दे नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। ये देखो मैं यहाँ पे गया वेब पेज, उसके बाद ये आर ए बैंक, और यहाँ पे गया, ये देखो यू हैव अनपेड बिल्स और लोन्स, पे ऑफ योर डेब्ट्स टू गेट अ लोन। ठीक है मैंने लोन लेना है तो मुझे पहले के पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं गया बिल्स पे, ये लो भाई पैसा पे कर दिया, लाओ लोन दो। ये देंगे ही नहीं देखना अभी भी, बदतमीज आदमी। पैसा ही नहीं देना तो खोला क्यों है बैंक। यार एक काम करता हूँ, पहले तो ना फटाफट से चल के मैं ऑफिस ओपन कर देता हूँ, क्योंकि आज मुझे लगता नहीं है कोई कस्टमर वगैरह यहाँ पे आने वाले हैं। मस्टैंग है अपने पास, इसे ले जाके अंदर पार्क कर देता हूँ भाई फटाफट से। इसे ही बेच देते लगे यार, अगर कुछ आ नहीं रहा तो इसी को बेच के निकालो भाई। वैसे तो यार गाड़ी कितने की बिक जाएगी, ज्यादा महंगी नहीं जाती मस्टैंग। वेब पेज पे चल के इसे डाल देते बेचने के लिए। मस्टैंग जो की मैं लेकर आया था $33,000 की, इसको मैं डालता हूँ $80,000 का। लेट्स गो पुट इट ऑन सेल। और ये देखो भाई अपना वे, देख के पानी डाल भाई, मेरे ऊपर डाल रहा है भाई, सब वॉश भी कर दिया, बड़ी तेज धो रहे है। तो चलो ठीक है, उसने गाड़ी धो दी है। 6:30 बज चुके हैं और ऑडी अभी भी रिपेयर पे लगी हुई है। आज ना गाइस मैं जाने वाला हूँ अपनी ऑडी R8 लेके स्पीड टेस्ट करने के लिए। मतलब हर गाड़ियां मैं चेक कर चुका हूँ। वैसे तो पहले इस गाड़ी को मैं टो करवा देता हूँ शोरूम के पास, वो गाड़ी वहाँ पे चली गई है। हाँ मैं कह रहा था R8 को लेकर चलते, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवाते हैं। लेट्स गो भाई, इंजन कर दिया चालू, पीछे लाते गाड़ी को। मुझे पता करना है कि ये गाड़ी इस टाइम पे फरारी लैम्बोर्गिनी से महंगी आ रही है, तो क्या इसके अंदर उतना दम है या फिर ये भी महंगी है? अरे यार कौन आया हुआ है भाई, हटाए इसको, हटाओ यार, सस्ती गाड़ी किसकी है। लेट्स गो, अभी हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर मस्त मॉडिफिकेशन लगवाने करवाने वाले हैं। अंजी भाई साहब, सबसे पहले ड्रिफ्ट किट इसके अंदर डली हुई है, मुझे ड्रिफ्ट किट नहीं रेसिंग किट चाहिए। टर्बो चाहिए, NOS नहीं डल सकता, टर्बो है। सस्पेंशन भाई ऑलरेडी फुल डाउन रखे, मैं चाहूँ तो ऐसे उठा सकता हूँ गाड़ी को इतना ऊपर, जो कि बहुत ही गंदी लग रही है, फुल डाउन करा देते हैं। व्हील चेंज करवाते भाई गाड़ी के अंदर, व्हील से ही तो मजा आएगा। R8 पे ना थोड़े से पतले वाले सूट करेंगे बहुत भाई, ये क्या दिख रहे हैं। वैसे डिपेंड करता है व्हील की मैं गाड़ी का कलर क्या कराने वाला हूँ। यार रात हो गई, चलो ठीक है ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। मुझे ना यार ये वाली व्हील प्रॉपर ड्रैग रेस वाले है ना, इसको करवा दूंगा अपडेट। ये देखो, अबे नहीं यार ये जो व्हील मैंने लगाया ना ड्रैग रेस में नहीं, ये वाले व्हील ड्रिफ्टिंग में चलते हैं। यार अभी ना गाड़ी में कोई पेंट भी नहीं करेगा, मुझे अभी कल ही आना पड़ेगा। ठीक है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो ठीक है, आज गाड़ी पे मैं ज्यादा मॉडिफिकेशन तो करवा नहीं पाया। अभी सामने कस्टमर आ रखे हैं, उनको गाड़ी बेच देता हूँ और फटाफट से चलता हूँ सोने के लिए। कल दोबारा से आएंगे अपने शोरूम में, थोड़ा बहुत और काम है हमें। हाँ जी सर आप गाड़ी लेने आए हो मस्टैंग $80,000 की, आप 49 देने के लिए रेडी हो? ठीक है मैं दूसरे बंदे से भी पता कर लेता हूँ। हेलो आंटी, 49 की वो खरीद रहा है तो सोच समझ के बात करना। 48 घर जाओ, घर जाओ फटाफट। हाँ जी सर 80,000 की मैं बेचना चाहता हूँ, 49 की आप लेने आए हो तो एक काम करो 58 दो और काम खत्म करो। इतना तो उठाऊंगा भाई प्राइस, अभी मुझे पता है 56 में बिक जाएगी तो 56 डाल देते हैं। जल्दी जल्दी गाड़ी बेचनी यार, अभी ज्यादा सोचना नहीं है। डबल ट्रिपल चेक, लेट्स गो। बंदे ने गाड़ी खरीद ली। ओ भाई ये क्या डेंजर दिखी यार पीछे घूम के अचानक से, फुल ब्लैक ब्यूटी। चलो 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 भाई लेट्स गो, अभी मैं गाड़ी भगाकर जाने वाला हूँ अपने घर पे। यार गाड़ी में मजा नहीं आ रहा भाई, पता नहीं क्यों भाई, ड्रिफ्ट तो अच्छी मार रही है बट मजा नहीं आ रहा भाई गाड़ी में, नहीं आ रहा मजा भाई सच्ची। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी कमजोर गाड़ी है। जाओ भाई, ओए बच गई बच गई, अभी कल ही रिपेयर करवाइए भाई। यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना घर जाने से पहले एक बार इस गाड़ी से चल के ड्रैग रेस कर लेते हैं भाई, और पता चल जाएगी कि आखिरकार गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। लेट्स गो। वैसे तो यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है, एक जन खड़ी है कोई SUV लेके, वो भी पहले ही हार जाएगी भाई गाड़ी देख के। चल भाई भाई कितनी सस्ती रेस है भाई, $378, उतने का तो गाड़ी फ्यूल पी जाएगी। चलो भाई गाड़ी फुल स्टार्ट है, मैं रेडी हूँ रेस के लिए, हरा दूंगा इस SUV को तो हरा दूंगा। पर मुझे R8 में पता नहीं क्यों मजा नहीं आया। लेट्स गो भाई, ये बंदा बहुत ही गंदी तरह हारेगा यार भाई, भागी तो है गाड़ी। हाँ अरे मैं शिफ्ट गलत मार रहा हूँ यार गाड़ी के, इसके मैं उस 2 कोड़ी के SUV से हार गया। देखो भाई साइनो, मैंने ये रेस थोड़ी गलत तरीके से खेली है, बट फिर भी यार ऑडी R8 है भाई, R8 पहली गियर पे हरा देना चाहिए इसको, उस गाड़ी को। एक्चुअली सीन क्या है ना, इस गाड़ी में ये जो नाइट्रो है ना था ही नहीं, मतलब इसमें इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है वो।
खैर ठीक है, अभी इस गाड़ी ने थोड़ा सा मूड खराब कर दिया। मैं कल ही इस गाड़ी को बेचने वाला हूँ। जितना पैसा आएगा ना, उस पैसे से हम लोग कोई नई तगड़ी गाड़ी ढूंढेंगे जो कि किसी को भी हरा दे ड्रैग रेस में। यार इससे बड़ी तो मेरी वो ब्लैक माफिया वाली गाड़ी है यार, वो पहली गियर पे हरा देती उस गाड़ी को। हाँ मतलब मुझे मालूम है मैं थोड़ा सा खराब खेला, लेट शिफ्ट करे, बट फिर भी यार आरेट है। इस बात की आरेट तो ऐसे हार जाए एकदम बच्चों की तरह। अभी चलते सोने भाई, मूड खराब हो गया। इतनी ₹5 लाख की गाड़ी, ₹5 लाख की गाड़ी ऐसे हार जाए, छी 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 छी, मेरे से बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा भाई। वैसे गाइज आज एक मस्त चीज है, आज है ऑक्शन डे जो कि 4 बजे होने वाला है। लेट्स गो भाई, मैं रेडी हूँ उस ऑक्शन डे के लिए, क्योंकि ऑक्शन में से बहुत ज्यादा चांसेस है निसान GTR मिले। बाकी यहाँ पे मोहल्ले में बहुत सारी गाड़ियां हैं, पर कोई भी गाड़ी ढंग की नहीं है, कोई फायदा नहीं है भाई। यहाँ से तो भाई गाड़ी बिल्कुल लेने लायक है ही नहीं। क्या सस्ती सस्ती गाड़ियां बेच रहे हैं भाई आज के दिन ये लोग। छोड़ भाई ठीक है, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं ऑक्शन में और देखते हैं आखिरकार ऑक्शन में कौन कौन सी गाड़ियां आज बिकने के लिए आ रखी है। क्या पता डॉज वाइपर या निसान GTR या फिर पगानी कोई तगड़ी कार हमें मिल जाए तो मैं इजीली उसे खरीद सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, इस ऑडी को बेच दूंगा। 5 लाख तो ऐसे ही आ गए, बाकी 1.5 लाख अपने पास पड़े हैं, काफी सारी गाड़ियां भी खड़ी है, तो बहुत फायदा है अपना। चलो ठीक है भाई, ऑक्शन में तो यहाँ पे बंदे आने लग गए, अभी से आके बैठ गए हैं। बाकी ठीक है, हमें एक यहाँ पे एक तरीका पता है जिससे हम लोग अंदर शोरूम की गाड़ियां पता कर सकते हैं। तो एक गाड़ी है, पता नहीं ये कौन सी है, दूसरी भी कोई सस्ती कार है, तीसरी तीसरी ऑडी आ रेट है, एक और ऑडी भाई उसके पीछे। लेट्स गो गाइस, तो आज ऑक्शन होने वाला है 2:00 PM भाई, फटाफट से ना इस गाड़ी को लेके चलते हैं। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ऑक्शन से मुझे कोई ना कोई तगड़ी गाड़ी तो जरूर खरीदने को मिल जाएगी। वैसे एक सेकंड, लेफ्ट में यहाँ पर एक और मस्टैंग बिक रही है, समझ नहीं आ रहा लूं या फिर एक काम करते हैं खरीद लेते हैं। यार मस्टैंग पता नहीं कोई ऐसी गाड़ी है भाई, अट्रैक्ट कर ही लेती है अपनी तरफ भाई। $41,000 की बेच रही है $36,000 की, जल्दी से लेके शोरूम पे भिजवा देते क्योंकि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी डील मिली है मुझे। चलो भाई गाड़ी को सीधा भेजो, टो करवा के शोरूम के बाहर बेच दूंगा यार, थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा। लेट्स गो, वापस से बैठते हैं भाई इस ऑडी में। और आज मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ भाई ऑक्शन के लिए। 12 बजे ऑक्शन चालू होने वाला है अगले 4 घंटे बाद। बाय चांस मतलब किसी भी तरीके से अगर वहाँ पे कोई तगड़ी गाड़ी मुझे मिल गई तो भाई अपने बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि अपने पास पैसा बहुत सारा है। मतलब पैसा तो $74,000 है, बट ये गाड़ी को मैं 6 लाख तक की बेच सकता हूँ। यानी अगर निसान GTR डॉज वाइपर कोई भी तगड़ी गाड़ी ऑक्शन में आती है तो मैं खरीद लूंगा। फिलहाल यहाँ पे मुझे एक और मस्टैंग मिल गया, आप भाई 30% डैमेज है, तो सर आप मुझे ना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करके $29,000 की बेच दो, मैं रिपेयर करा के आगे बेच दूंगा। भाई पता नहीं क्या हो गया, अपने पास भाई मस्टैंग भर भर के आ रही है भाई, आज क्या बात हो गई है। लाओ भाई इसको भी शोरूम भिजवा दो, मैं रिपेयर करवा लूंगा। वैसे यार उस गाड़ी को मुझे शोरूम नहीं, मुझे रिपेयरिंग शॉप पे भिजवाना चाहिए था ना डायरेक्ट। चलो खैर ठीक है, जो भी है, अभी बातें कम काम ज्यादा, फटाफट से मुझे गाड़ी लेके पहुंचना है भाई ऑक्शन के लिए। वैसे गाइस एक बार ना इस गाड़ी की टॉप स्पीड भी चेक कर लेंगे यार, मतलब मजा नहीं आया इस गाड़ी में। मुझे पता करना है कि आखिरकार ये गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी जाती है और 0 to 100 ये गाड़ी कितनी देर में क्रॉस करेगी। फिलहाल ऑक्शन के लिए बहुत सारे लोग तो आकर बैठ चुके हैं, सही ठीक ठाक भीड़ लगी है भाई, पर हम लोग थोड़ा सा ना यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, आप लोग कह सकते हो छोटा सा चीट करने वाले हैं। मैं बैक साइड से ही पता कर लूंगा कि आखिर कार ऑक्शन के लिए कौन कौन सी गाड़ियां आ रखी है। एक गाड़ी है ये स्कोडा, नेक्स्ट कार है ये कौन सी है भाई, टेस्ला वैसला है भाई कोई तो। उसके नेक्स्ट कार ये कोई सस्ती सी गाड़ी है, घटिया सी, और उसके नेक्स्ट भी कोई सस्ती गाड़ी छी। नहीं यार मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी भाई ऑक्शन से, सारी उम्मीदों में पानी फिर गया भाई, कोई भी ढंग की गाड़ी नहीं है। वैसे एक सेकंड भाई, मेरे राइट साइड में देख रहे हैं एक बारी मस्टैंग का, ऐसा लग रहा है पूरा गैराज है। आई मीन इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे मस्टैंग वालों का शोरूम है। ठीक है भाई ये गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, ये वाली गाड़ी का पैनल चेक करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक, नहीं नहीं वेट इसका पैनल में ये गाड़ी भी ठीक है, ये वाली गाड़ी थोड़ी सी डैमेज है ना, यस। तो इस गाड़ी को हम लोग भेजते हैं रिपेयरिंग के लिए, बाकी गाड़ियों को ना मैं पेंट करवा के बेचने के लिए लगा देता हूँ, पहले ऑडी भी पेंट करवा देते हैं। यार सच्ची में आज का दिन तो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं गया, मजा ही नहीं आया। ये देखो भाई गाड़ी रिपेयर कराने हम पहले इसने ला के लगा दी। मुझे ना बस जानना है कि आखिरकार ये जो ऑडी R8 को मैं लेकर आया हूं इतना महंगा, इसको मैं मैक्स कितने का बेच सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। हां जी भाई वो चला गया, फटाफट से मेरी कार लगाओ, इसको बढ़िया सा कलर कराते हैं, उस पे ग्रीन करा देते हैं। पार्ट्स कार, ओ वेट पेंट पार्ट्स, लेट्स गो भाई। ये तो एकदम नियॉन कलर में बहुत प्यारी दिखती है, ये क्रेजी भाई चमक रहे भाई। ये गाड़ी तो अभी बेचने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब मन कर रहा है कि इस गाड़ी को बस ऐसे शोरूम में खड़े करने के लिए, सजाने के लिए ले लेते हैं। बट ठीक है यार अभी अपने पास इतना ज्यादा ना पैसा नहीं है कि हम लोग अभी गाड़ियों का कलेक्शन करना स्टार्ट कर दें। आई मीन वो टाइम भी आएगा बट अभी वो टाइम नहीं है। अभी फिलहाल इस गाड़ी का टॉप स्पीड पहले चेक कर आते हैं, पहले इसका टॉप स्पीड चेक करेंगे, फिर लगे हाथ सारी गाड़ियां, तीनों मस्टैंग एक ही वाली गाड़ी सब बेच डालेंगे, नहीं चाहिए भाई मुझे। चलो भाई लेट्स गो, गाड़ी को चढ़ा देते हैं भाई ऊपर। बस हां जी आंटी जी हमें ले चलो फॉरेस्ट में, लेट्स गो। अपनी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है अपनी स्पीड चेक करने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है 0 to 100 ये कितनी देर में पहुंचेगी? अपनी जो ब्लैक कार है वो 3.6 सेकंड में पहुंचती है, इसको चेक करते हैं। 3
3, 2, 1, लेट्स गो। अरे अरे छी 60 सेकंड भाई, क्या मैं क्या बोलूं अभी भाई, भाग तो रही है। टॉप स्पीड अच्छी लग रही है मुझे इसकी। अरे बेकार गाड़ी है भाई। तो वैसे अगर देखा जाए तो स्पीड रिकॉर्ड जो है वो उसका बढ़ता ही जा रहा है, रुक तो नहीं रहा, बट अभी वॉल आ चुकी है तो फायदा नहीं ना। अभी भिड़ेगी। हाँ नहीं भाई, नहीं वापस चलो भाई, ये गाड़ी बिकना डिजर्व करती है, इसको लेके चलते हैं। मुझसे नहीं झेला जा रहा भाई, अभी बहुत हो गया यार। वैसे ये बात है कि यार ड्रिफ्ट के लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा प्यारी है, देख रहे हो क्या ही ड्रिफ्ट आई है। चलो भाई शोरूम की शान तो बन जाएगी भाई इस गाड़ी से। लेट्स गो, खड़ी यहाँ पे मैंने कर दिया गाड़ियाँ। ये रही अपनी ऑडी 3,90,000। मैं खाली पीली 5 लाख 5 लाख कर रहा हूँ, 3,90,000 की लाया हूँ। टोटल अगर देखा जाए तो 4 लाख की मान लो पड़ गई, तो इसका मैं प्राइस डालता हूँ $7,50,000। मुझे पता है ये इतने की नहीं जाने वाली, बट स्टिल डालते हैं। एक मिनट रुको, ऐसी की तैसी हटाओ सेल से इसे। इसको मैं डालूंगा 8 लाख की। मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी होनी चाहिए ये जो कि अपने शोरूम से बिकी है। इस गाड़ी ने मूड खराब करा भाई, सबसे ज्यादा फायदा उठाना है मुझे इससे। बाकी मस्टैंग है, 3-3 मस्टैंग है भाई, पता नहीं मैं क्या करूंगा। एक मस्टैंग तो ऐसी ले आके खड़ी कर देता हूँ। चलो एक मस्टैंग होगी यहाँ पे, और एक मस्टैंग इधर खड़ी है, और एक मस्टैंग रिपेयर होने गई है। ये वाली मस्टैंग को भी लगा देते हैं बेचने के लिए। वो वाली मस्टैंग संभाल के रखता हूँ यार, सारी मस्टैंग नहीं बेचता हूँ, 3 है 2 बेच देते हैं। ओहो लेट्स गो भाई, ऑडी के लिए तो कस्टमर्स आना चालू हो गए हैं अभी से ही। चलो ठीक है, अभी दोनों गंदी गाड़ियां यहां पे मैंने लगा के लगा दी है, वॉश होने लग जाएगी। उससे पहले मैं इसे बेचने के लिए लगा देता हूं। वेब पेज अपने पास है, मस्टैंग 36 की लाया था $80,000 सेल। दूसरी वाली एरी ये भी 42 की लाया था, इसे $82,000 की सेल। लेट्स गो, बिक जाएगी दोनों गाड़ियां, अच्छे से बिक जाएगी। बाकी हां यस मैम, आप ये गाड़ी कितने की खरीदना चाहते हो? रेयर है, काफी इजीली मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से। भाई इस गाड़ी में जादू है, इस गाड़ी में कुछ तो बात है। क्या मुझे ये बेचनी नहीं चाहिए? मैं इस गाड़ी को सोच रहा था 7 लाख की चले जा, बहुत है। 7,23,000 तो उसने ऑफर कर दिया फर्स्ट कस्टमर ने। ये गाड़ी प्यार से 8 लाख की जाएगी भाई, 3-4 लाख का प्रॉफिट होगा भाई इस गाड़ी से। है 6 लाख नहीं, भाग यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ यार ऐसा कस्टमर क्या पता दोबारा आए ना आए, इससे थोड़ा सा बढ़ा के बेच देते हैं। 7,32,000 खुद ही बढ़ा दिया इसने, पहले इसने 23 बोला था, पता नहीं भाई। अभी इसको मैं बोलता हूँ $7,50,000 में ले जा, थोड़ा सा और $7,60,000 में ले जा भाई। बड़ी कार में बड़ी डील हो सकती है, मुझे 7,80,000 डालना चाहिए था। वो गाड़ी फर्स्ट कस्टमर ने ही खरीद ली भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना उस गाड़ी को लेकर? ऐसे लग रहा है कुछ कोई मेरे हाथ से हीरा खरीद के ले गया। बाकी ठीक है, पैसा आ चुका है बहुत ज्यादा। गाड़ी में 4 लाख की लाया था, 7,50,000, 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ उस गाड़ी से। समझ लो मैंने जितने की लाया था उतने की बेच दी, सॉरी समझ लो मैं जितने की लाया था उसके डबल प्राइस की बेच दी मैंने। बाकी मस्टैंग भी बिक रही है 49,000 कह रही है। नहीं 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 रुक जाओ, आप कितने बाय प्राइस? यार मेरा 42 है, 58 की तो लो एटलीस्ट। एक और कस्टमर आया, रुको। हाँ जी सर, 42 में कम से कम भाई 15,000 तो कमाऊं मैं, 51 ना, तो 56 की ले जा भाई, बात ही खत्म कर, मैं $14,000 कमा के खुश रह लूंगा। लेट्स गो, बिग गाड़ी। तीन कस्टमर आ चुके हैं दूसरी वाली मस्टैंग के लिए। भाई आज मैं वापस से मिलियनेयर बनने वाला हूँ गेम में। $52,000 का आया है, इसको आप ले जाओ $60,000 में फटाफट से, देरी नहीं। यस बिक गई भाई। चलो सारी गाड़ियां मैंने बेच डाली है, और अभी अपने पास एक मस्टैंग खड़ी है भाई, सब बिक गया, खाली कर दिया भाई साहब। $9,20,000 पड़े हैं। अगर कोई भी अब रेयर कार आती है वो ले लूंगा, फिलहाल आज तो मजा है भाई। आज का दिन मेरे को लग रहा था बहुत खराब है, बट जिस प्राइस रेट पे वो गाड़ी बिकी है ना दिल्ली। अरे रुको, ये तो रिपेयर ही नहीं हुई। रुको सर, इसे वापस क्या कर रहे हो भाई आप, आधा नशे में हो क्या? रिपेयर पे लगाओ इसे। चलो जब तक ये गाड़ी रिपेयर हो रही है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ड्रैग रेस मार के आए क्या, या फिर इस गाड़ी से चलेंगे ड्रैग रेस करने। मतलब अभी आप लोग ऐसा कह सकते हो कि अपने पास 2 गाड़ियां हो चुकी है जो कि मैं कभी नहीं बेचूंगा। एक है अपनी ये ब्लैक माफिया वाली गाड़ी, दूसरी ये मस्टैंग है। अब आप कलेक्शन बनाते हैं, गाड़ी स्लो होगी तब भी नहीं बेचेंगे। नेक्स्ट मैं वेट कर रहा हूँ सुपरा का, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कोई पोर्शे वगैरह रखेंगे अपने पास, फिर फरारी लैम्बोर्गिनी परमानेंट रख लेंगे, बेचेंगे नहीं। जो ऑफिस का ऊपर वाला फ्लोर है ना वहाँ पे ले जाके मैं पार्क कर दूंगा। अरे भाई जल्दी कर दे रिपेयर, और भी काम है हमें। अच्छा हो गई क्या? और मेरे सर पे मत रख। हाँ तो मैं ये कह रहा था, अब ये मेरी पर्सनल कार है तो फटाफट से इसको लेके जितना मॉडिफाई हो सकता है इसे करवा देते हैं। भाई ये जिस बंदे की थी ना उसने इसमें इतने घटिया व्हील्स लगवा रखे हैं, देख रहे हो भाई पूरी गाड़ी की लुक खराब कर रखी है। मैं इससे बात करके, इसमें TCS लगवाते हैं, नाइट्रो लगवाते हैं, रेसिंग किट लगवाते हैं, सस्पेंशन फुल डाउन करवा दो भाई, फुल डाउन। और व्हील्स गाड़ी का कलर मैं येलो करवाने वाला हूँ, मेरे हिसाब से व्हील्स ये वाले बहुत सही लगेंगे। चलो भाई अपडेट। चलो यार बाकी सब एकदम सॉर्टेड सीन है, गाड़ी पे बस अब एक बढ़िया सा पेंट करवाना है येलो, और उसके बाद गाड़ी भाई बहुत ही सही। अरे इस कार के स्टॉक सस्पेंशन इतने गंदे हैं क्या? बहुत ज्यादा उठी हुई गाड़ी नहीं लग रही है, जमीन से ऊपर कितनी ज्यादा है। एक सेकंड बात करके आता हूँ भाई, सस्पेंशन नीचे कर देना यार इसके। अच्छा ये देखो ना, ये करवाना है। यस डेट। चलो अभी गाड़ी सही दिख रही है। वही मैं कहूँ यार, लेके गया था सुपर कार, बाहर निकली SUV। ओ तेरी,
जबकि उससे कितनी सस्ती है, वो कार 4 लाख डॉलर की और ये बेचारी गाड़ी कहाँ 40,000 डॉलर की। चलो ठीक है, रेस के लिए गाड़ी आ रखी है, लेक्सस है क्या, चलो भाई रेस करते हैं, 1,000 डॉलर रेस है, मजा आएगा। वैसे तो मेरे पास मस्टैंग से भी फास्ट कार अभी पड़ी है, बट मुझे मस्टैंग से ही रेस करना है। चलो भाई रेस में तो बहुत बुरी तरह जीतने वाला हूँ मैं, बहुत तेज। फोटो कहाँ खींच रहे हो भाई, गाड़ी इधर आके खड़ी हुई है, लेफ्ट कहाँ ले रहा है। चलो भाई 3, 2, 1 लेट्स गो। ऐसा हरा हूँ इस बंदे को मैं, अभी से हम लोग उड़ना चालू, गायब भाई गायब कर दिया, गंदी तरह जीते हम लोग। गाड़ी पे जो रिपेयरिंग का खर्चा आया था वो तो तुम्हारे भाई ने एकदम बढ़िया निकाल लिया है, और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है ड्रैग करने के लिए। चलो भाई ड्रैग श्रैग के लिए कोई नहीं है, अभी हम लोग इस गेम में मिलियनेयर तो प्यार से बन चुके हैं। हमारे पास 1 मिलियन डॉलर है और 2-3 गाड़ियां भी है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मिलियन डॉलर पैसा है तो गाड़ियां नहीं है, अभी गाड़ियां भी है पैसा भी है। ओ भाई 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 भाई, ये गाड़ी से ना ड्रिफ्ट मारने में मजा आ रहा है, जबकि भी इसमें ड्रिफ्ट किट इंस्टॉल भी नहीं है। चलो ठीक है, बातें शायद कम, पहुंच चुके हैं घर पे और आज की इस वाली वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। वैसे देखा जाए तो कार हंटिंग में आज हमने ऑडी R8 तो ढूंढ ली, बट अभी भी वो गाड़ियां नहीं ढूंढ पाया मैं जो कि मुझे चाहिए, जो मुझे पसंद है, जिसका मैं Day 1 से अपने गैराज में आने का वेट कर रहा हूं, वो है निसान GT-R। पता नहीं यार वो गाड़ी मुझे कब मिलने वाली है, बस एक ही बार दिखी थी मुझे, तब पैसा ही नहीं था, कितना दुख हो रहा है यार। बट हाँ यार अभी इतना पैसा हो चुका है कि एक बार में मैं वो 2 खरीद सकता हूँ, पर अब मिल नहीं रही, तो चलो आई होप मिल जाएगी। अगर आपको कुछ टिप्स पता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जाके बताओ कि कैसे मैं उस गाड़ी को ढूंढ सकता हूँ। लेट्स गो, फटाफट से जाके कमेंट कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैंने ऑडी R8 बेच के सही करा या गलत करा वो मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी इस वीडियो पर एम करते हैं 650,000 लाइक के लिए, तो जल्दी से आके लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे जल्दी से जाके दबा दो, क्योंकि हम लोग 40 मिलियन के बहुत क्लोज हैं, मतलब बहुत क्लोज तो नहीं है, 4 मिलियन बाकी हैं, बट आप लोग की पावर से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब हो जाएंगे और हम लोग फिर 40 मिलियन भी पहुंच जाएंगे, तो कर दो फटाफट। बाकी आज के सारी वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।